चलो कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स। कल वाला क्वेश्चन था कि एक रिएक्टेंट न्यूक्लियस एक्स है जो इनिशियली क्या है, रेस्ट पर था, और वो क्या उसका अल्फा डीके होता है और दो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होते हैं वाई और हीलियम, और एक्सप्रेस उनके मास भी दे रखे थे हमें एम वाई एंड एम एच ई। Then find the kinetic energy of each product nuclei in terms of Q. तो देखो इधर हमें एक्स जो है वो वाई में और हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, टू एच ई फोर। आप चाहो तो जेड ई माइनस टू ए माइनस फोर लिख सकते हो, ठीक है, और इसका जेड ए। ठीक है, ये क्वेश्चन थी आपको, इसका मास गिवन था, न्यूक्लियस का मास, इसका मास है एम वाई, इसका मास है एम एच ई, प्लस क्यू वैल्यू भी निकलेगी। तो हमें इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वाई की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखो जब भी जैसे मान लो न्यूक्लियस है, मान लो वाई जो है वो इस तरफ, ये इसका डिके हुआ, वाई इस तरफ गया, और जो हीलियम न्यूक्लियस होगा वो इस तरफ जाएगा, अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि ये इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, इनिशियली ये रेस्ट पे था। तो जैसे मान लो कोई बॉम्ब वगैरह, उस पर एक्सप्लोजन होता है, तो एक पार्टिकल अगर इधर जाएगा तो ऑब्वियसली जो दूसरा पार्टिकल है वो उसके अपोजिट साइड में जाएगा, तभी उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो वाई वाला पार्टिकल है वो इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी वाई वेलोसिटी से, और ये वाला पार्टिकल जो है वो वी एच ई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, वाई कैपिटल वाला, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम कंजर्वेशन से, इनिशियली मोमेंटम, इनिशियली जो पार्टिकल था वो रेस्ट पे था एक्स न्यूक्लियस, फिर क्या हुआ, जो इसका डिके हुआ, डिके होने के बाद वाई इस तरफ गया, वाई डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वाई, तो मोमेंटम क्या होगा, एम वाई इंटू वी वाई। ठीक है, एम वाई इंटू वी वाई। अब ये वाला पार्टिकल क्या अपोजिट में जा रहा है, तो इसका मोमेंटम नेगेटिव में होगा, माइनस एम एच ई इंटू वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां से आपको पता चल जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका एम वाई वी वाई एम एच ई वी एच ई, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। ठीक है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, कल मैंने बताया था जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको ये भी गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, यही तो टोटल क्यू वैल्यू होता है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, उन्हीं का सम किसके बराबर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर।
इसको सॉल्व कैसे करें अपन लोग। अच्छा मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है या फिर मोमेंटम जो होता है पी वो होता है अंडर रूट टू एम के, सुना है आप लोगों ने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। तो के बराबर क्या हो जाएगा यहां से, के काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पी टू एम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम। लेकिन हमें चाहिए क्यू वैल्यू के टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, मोमेंटम ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू मास ऑफ वाई। मोमेंटम जो है वो है एम वाई का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर टू एम वाई। यहां से तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टर्म्स में कैसे लाया जाए इसको। इन टर्म्स ऑफ क्यू चाहिए हम लोगों को, तो क्यू की टर्म्स में मोमेंटम दोनों के बराबर आ गए। चलो कोई बात नहीं, और आप करते हैं। एम वाई वी वाई इक्वल टू एम एच ई वी एच ई, क्यूट की टर्म्स में चाहिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी। तो क्यू की टर्म्स में पहले यहां से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम ये होगा हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम एच ई इंटू वी एच ई का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एम वाई वी वाई का स्क्वायर। तो एम वाई इंटू वी वाई इंटू वी वाई, स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया इंटू वी एच ई, स्क्वायर था तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब मोमेंटम जो है दोनों के इक्वेशन फर्स्ट से देखो तो मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एच ई, वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो
तो वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम, अगर मैं इसकी इक्वेशन से देखूं, वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम ये हो जाएगा मास अपॉन हीलियम, मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ वाई. तो मतलब वी वाई अपॉन वी एच ई क्या हो जाएगा, इसका हमें मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ वाई. ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या आया कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास से. ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं इधर वाले पोर्शन को, चलो यहीं पे कर लेते हैं. अब क्या करो, कंपोनेंट और डिविडेंड को आप लोगों ने 10th क्लास में सी एन डी, तो कंपोनेंट और डिविडेंड करो. देखो के ई वन कर रहा हूं मैं, नीचे वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सम कर रहा हूं मैं. तो नीचे के ई एच ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, यहां पर भी ऐसा होगा मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई. अब देखो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम है ये तो क्यू के बराबर होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक क्यू डिवाइडेड बाय एनर्जी हीलियम प्लस मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई. तो यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी किसकी, अल्फा पार्टिकल. ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम या अल्फा पार्टिकल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई इनटू क्यू. ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल के इन टर्म्स ऑफ क्यू. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, सेम ऐसी रिलेशन में, बस वहां वाई की जगह क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ हीलियम आ जाएगा, सेम डिवाइड कर दो या फिर आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ वाई इनटू क्यू, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई. किसी को डाउट है पूछ लो. तो क्या लिखोगे, समटाइम्स, अच्छा स्टार बना के लिख लो, समटाइम्स Y is produced in excited state. Sometimes Y is produced in excited state. Y जो है वो excited state में produce होता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी nucleus excited state में produce होता है, excited state में होता है, तो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है. कौन सी रेडिएशन, गामा रे. ठीक है, तो हम क्या पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये जेड है, सॉरी एक्स, और इसका एटॉमिक मास ए, इसने प्रोड्यूस करा वाई, इसका एटॉमिक नंबर जेड माइनस टू, मास नंबर हो जाएगा ए माइनस फोर, लेकिन ये अभी किसमें, एक्साइटेड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में तो हम लोग लिखेंगे इस, इसको स्टार बनाऊंगा मैं यहाँ पे. इसका मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में प्लस 2HE4 प्लस Q वैल्यू. अब क्या होगा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो अब ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा. तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा ये Y, ठीक है, मास वास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास वही रहेगा इसका, एटॉमिक मास नंबर भी वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अब इसमें स्टार नहीं लगाएंगे हम लोग, तो इसमें से क्या होंगे, गामा रेडिएशन एमिट होगी, गामा रेज. ठीक है, अब ये गामा रेज एमिट करेगा और ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, गामा रेज, और गामा रेज में आपको पता है कि रेज है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो एनर्जी हम लोग मान लेते हैं कि गामा रेज में इसने एनर्जी एमिट करी कितनी, इसने E अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज. ठीक है, अब इस केस में Q वैल्यू कितनी होगी, अब इस केस में Q वैल्यू जो अवेलेबल होगी, Q वैल्यू क्या होती है, Q वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है किसके, जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुए, कौन, Y और अल्फा पार्टिकल. तो Y और अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही हम लोगों को Q वैल्यू मिलती है.
तो इस केस में जो q वैल्यू अवेलेबल होगी हमारे पास y और अल्फा के लिए वो कितनी होगी, hence q वैल्यू, hence q वैल्यू अवेलेबल अवेलेबल फॉर y एंड अल्फा पार्टिकल, y एंड अल्फा पार्टिकल इज q माइनस e, q क्योंकि उसमें से ई एनर्जी तो रेडिएशन के रूप में चली गई। अब आपके पास कितनी एनर्जी बची, अब आपके पास एनर्जी जो बची वो Q माइनस ई एनर्जी बची, वही एनर्जी अब इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलेगी। तो अब Q वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, Q माइनस ई कम हो जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कितनी होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी, तो अब काइनेटिक एनर्जी y होगी। यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी y पूछते हैं तो मास ऑफ हीलियम आता है, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ हीलियम अल्फा पार्टिकल सॉरी इनटू q, अब q माइनस ई आ जाएगा यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, जब अल्फा पार्टिकल पूछा तो मास किसका आएगा, मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम न्यूक्लियस इनटू q वैल्यू कितनी, q माइनस ई। इस केस में आई बात समझ में, तो इस केस में जो आपको काइनेटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले हम करेंगे, अब करेंगे हम बीटा माइनस डीके, ठीक है। दूसरा टाइप का डीके है आपका बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस मैंने बताया था, बीटा माइनस क्या होता है, बीटा माइनस एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं, कौन सा एटम, एक्स जिसका मास एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, इसका डीके हो रहा है, कौन सा डीके हो रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो माइनस वन ई जीरो, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल हो गया आपका। तो अब देखो इस y जो है, इस y का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा घटेगा, इस y का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, अब एक बढ़ जाएगा क्योंकि हमको दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस रखनी है। तो यहाँ पर z प्लस वन करूंगा तब जाके बैलेंस होगा, ठीक है, इसमें इधर जोड़ूंगा तो z, इधर भी आ रहा है z, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। मास, मास तो वही रहेगा। अब देखो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन बन रहा है कि न्यूट्रॉन बन रहा है, यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ गया है, मास नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, तो मतलब यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोटॉन के साथ क्या निकलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रॉन के साथ जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, और प्रोटोन के साथ जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके साथ एक और पार्टिकल निकलेगा विच इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकलेंगे इसके, ठीक है, इसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी लिखी है, आप लोग चाहो तो उसके नीचे लिख देना एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये क्या है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एंटी न्यूट्रिनो, एन ई यू आएगा शायद, एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस क्या रिएक्शन हो रही है, तो इनसाइड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जीरो, मास होता है वन, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक प्रोटॉन में पी प्लस, प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, पी प्लस प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन चल रही है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जब बीटा माइनस डीके होता है, ठीक है। अगेन हम लोग मान लेते हैं कि इस एक्स का जो एटम है, ठीक है, अगेन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे mx ले लेते हैं हम लोग, mx मास ऑफ x एटम, अगेन एटम का मास गिवन है हमें,
मास ऑफ एक्स एटम एंड वाई मास ऑफ वाई एटम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के मास तो हमको पता ही है, एम ई से हम इलेक्ट्रॉन के मास को डिनोट करेंगे। तो एम एक्स और एम वाई मास ऑफ एक्स और मास ऑफ वाई एटम। तो देखो इस केस में अगर आप Q वैल्यू निकालोगे कि Q वैल्यू कितनी होगी बीटा माइनस डीके में, ठीक है, उसके आगे Q वैल्यू भी लिख देना आप चाहो तो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू, Q Q वैल्यू जो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी। Q वैल्यू जो निकालोगे वो कितनी आएगी Q वैल्यू, अगेन रिएक्शन में हम करेंगे क्या, अब ये रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमें मास किसके दे रखे है, एटम के मास दे रखे है। तो देखो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू वैल्यू हमें एटम का मास है, तो उसके एटम में से मास ऑफ एक्स एटम एम एक्स माइनस, ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दूं तो मास ऑफ एक्स इसका न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब वाई यहां पर क्या क्या है, वाई एटम, हमें वाई एटम का मास गिवन है, तो वाई एटम का मास ले लो, मास ऑफ वाई एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो तो मास ऑफ वाई का न्यूक्लियस का बचेगा मास आपके पास, वाई एटम के न्यूक्लियस का मास बचेगा। अगर आप इसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इसमें जेड प्लस वन प्रोटोन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आपके Z प्लस वन ही होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें मास ऑफ Y एटम गिवन था, ठीक है। इसको ये वाला ब्रैकेट लगा दो, प्लस इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको प्लस करना पड़ेगा यहां पे,